खबरों को सटीक, सरल और सत्य तरीके से देखने के लिए चकाचक एक्सप्रेस के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। विश्व में फैले कोरोना वायरस को लेकर आए दिन नई नई खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। खबर है कि कोरोना वायरस के सीक्वेंस को दुनिया में सबसे पहले खोजने वाली चीन की वैज्ञानिक डॉक्टर शी झेंगली ने इसकी भविष्यवाणी कई साल पहले ही कर दी थी और एक शो के दौरान उन्होंने कहा था कि कुछ साल बाद चमगादड़ों की वजह से फैलने वाला एक वायरस वैश्विक महामारी का रूप ले लेगा। दरअसल सार्स वायरस की जांच के दौरान ही डॉक्टर शी झेंगली को अंदाजा हो गया था कि जानवरों से इंसानों में दाखिल होने वाला ये वायरस आने वाले वक्त में नई शक्ल लेकर लौट सकता है। उन्हें डर था कि ये बहुत भयानक त्रासदी की वजह बनेगा। उन्होंने अपना ये डर और आदेश 5 साल पहले जाहिर भी किया था। हालांकि तब वुहान की इस बैट वुमेन की चेतावनी को दुनिया ने हल्के में ले लिया था, जिसका अंजाम आज पूरी दुनिया भुगत रही है। चकाचक एक्सप्रेस से हरिओम की रिपोर्ट।